So we here we become begin the term second with the third chapter atom and molecules. See बेटे इस चैप्टर में हम एटम के बारे में सीखेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में, कुछ वैलेंसीज के बारे में, कुछ मास के बारे में, कुछ मोल कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। ये चैप्टर स्टार्ट होते हैं कुछ लॉज के साथ जिसे कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपकी सिलेबस में टू लॉज हैं, उसमें से है ज्यादा लॉज हैं। हमारे जो सिलेबस में है टू लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। In class 11, the student who will take medical and non-medical, they will do law of reciprocal proportion. They will law of multiple proportions. They guess Lussac law of combining gases and so on. Avogadro's law, so on. So many laws are there. ठीक है? उसमें से two laws हम अभी study करते हैं class 9th में। कोई भी chemistry में कुछ रिएक्शन होती है तो बेटे इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जाते हैं या एटम्स कंबाइन होते हैं। पहले तो डेल्टन लॉ ने, एक डेल्टन ने थ्योरी दी थी, उसने कहा था कि जो एटम है ना वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता या एटम है ना उसको डिवाइड नहीं कर सकते। मगर धीरे धीरे ये पता चला कि नहीं जी, एटम जो है ये आगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा इसके अंदर और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, देयर आर 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड सो ऑन। अकेले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं है, मगर फॉर द 9th स्टैंडर्ड हम यही समझते हैं कि जो एटम्स हैं वो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। हाँ, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इंडिविजुअल एग्जिस्टेंट का या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट का, ठीक है। ये एक एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे कि हीलियम HE एक एटम है। अब एटम में से इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एटम में से प्रोटॉन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ना एटम में से न्यूट्रॉन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते। हाँ, एटम एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल तो करता ही करता है, ठीक है। एटम किन्हीं एलिमेंट्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, सबका नहीं। कभी आपने ऑक्सीजन लिखी हो तो केला ओ नहीं लिखते, ओ टू लिखते हो, वो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर क्लोरीन लिखी हो Cl2 लिखते हो, कभी Cl नहीं लिखते। N2 लिखते हो नाइट्रोजन के लिए, अकेला N नहीं लिखते, लिखते हो कभी? नहीं, क्योंकि वो ऐसे एलिमेंट हैं जिनके एटम्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मगर जब हम हीलियम लिखते हैं HE, अकेले लिखते हैं, टू तो नहीं लगाते साथ में, है ना। आर्गन AR अकेला लिखते हैं, टू नहीं लगाते। तो ये सब कुछ, इन सब की बातें हम करेंगे इस चैप्टर में कि कौन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का है कौन नहीं है। मगर केमिस्ट्री में जब कोई चीज कंबाइन होती है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसके लिए कुछ लॉज बने हैं कि वो फिक्स्ड वॉल्यूम में कंबाइन होगा या फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होगा या फिक्स्ड मास में कंबाइन होगा या उनका कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो डिफरेंट लॉज है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं लॉज के साथ। तो केमिस्ट्री में जो लॉज हैं उन्हें कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसमें से टू लॉज आपने स्टडी करने हैं। जो फर्स्ट लॉ यू विल स्टडी, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ के हिसाब से द मैटर कांट नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
जो मास पहले था वही है, ठीक है। तुम कह सकते हैं जो मैटर है, मैटर क्या था, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वॉल्यूम, दैट इज अ मैटर। दिस मैटर कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम मैटर को क्रिएट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, हमने कभी एटम क्रिएट करें ना ही हम एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर एक एटम है वो कंबाइन हो कुछ और बन जाएगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ठीक है। तो यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मैटर कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एवरीथिंग इज गिवन इन योर बुक्स। मैटर कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या हम कह सकते हैं वेन एवर अ केमिकल रिएक्शन अकर्स, वेन एवर अ केमिकल रिएक्शन अकर्स द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। तो समझो पहले लॉ को, समझो लॉ कहना क्या जा रहा है। डेफिनेशंस आपकी बुक में अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। मान लो मैंने दो चीजें बेटे रिएक्ट करी है, ए प्लस बी, ठीक है। मान लो ये 12 ग्राम था और ये 10 ग्राम था। अब इसमें से मुझे सी और डी मिला, ठीक है। अब ये 9 ग्राम है तो ये कितने ग्राम होगा, 13 ग्राम्स। जब हम कोई रिएक्शन करते हैं, जितना मास हमने रिएक्टेंट, जो चीज रिएक्ट कर रही है, तो रिएक्ट क्या कर रही है, ये चीज रिएक्ट कर रही है, इन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है। और जो चीज बन रही है आपके पास वो क्या है, आपके प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस लॉ के हिसाब से जो रिएक्टेंट जितने भी आपके मास के लिए, उतना ही मास आपके प्रोडक्ट्स का होगा। इन अ केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्टिंग इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट विच आर फॉर्म। ये लॉ ये कहना चाह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हमेशा इक्वल होगा। अब इक्वल का मतलब ये नहीं है कि अगर एक ए है वो 12 ग्राम का है तो यहाँ पे सी भी 12 ग्राम का बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो डिफरेंट एटम्स का बना होगा। समझ आ रही है, वो डिफरेंट एटम्स का बना होगा, वो सेम एटम्स का नहीं बना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अगर मुझे मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है, अगर मैंने ये मान लो 16 ग्राम ले लिया तो हो सकता है यहाँ से ये 12 ग्राम हो, ये 4 ग्राम हो। तो मैंने मास कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि आपको मोलर मास नहीं आता अभी, ठीक है। तो ये मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने ये 16 ग्राम लिया है तो ये एक ही प्रोडक्ट बनेगा जो 16 ग्राम है। मतलब जो भी बनेगा, जितने भी बनेंगे, 5 भी बन गए वो भी 16 ग्राम होंगे, 6 भी बनेंगे वो भी टोटल मिला के 16 ग्राम होंगे टोटलिटी में। मीन्स जो रिएक्टेंट साइड का बेटे मास है वही प्रोडक्ट साइड का मास होगा। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स, इट स्टेट इन अ केमिकल रिएक्शन the mass of the reactant reacting is equal to the mass of the product forming, that is called law of conservation of mass. Yes, हाँ तो फिर बंद ही करोगे उसको, दौड़ जा नहीं है वो, तो मोलर मास निकाल लोगे ना उसका, दैट इज गैसेस वाली कोई भी रिएक्शन क्लोज्ड वेसल में होती।
ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये क्लोज वेसल में रिएक्शन स्टडी करोगे आप, ठीक, या प्रेशर देख लेते हैं, फिर हम आगे प्रिंसिपल स्टडी करते हैं, मोल कंसेप्ट की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, फिर मोल कंसेप्ट से हम मोलर मास की तरफ चले जाते हैं, धीरे धीरे समझोगे सारा कुछ, धीरे धीरे डाइजेस्ट करवाओ, ठीक। सो व्हाट डज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट, दैट इन अ केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्टिंग इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। मीन्स हमने ये कहा कि मैटर को ना हमने डिस्ट्रॉय किया ना हमने क्रिएट किया, जितना मैटर पहले था उतना ही मैटर बाद में, जितना वेट पहले था उतना वेट बाद में, जितना मास पहले था उतना मास बाद में, यही कहने का मतलब है, बिल्कुल सही है। और नाइन्थ स्टैंडर्ड तक यही सही होता है, और नाइन्थ स्टैंडर्ड की बुक्स तक यही पढ़ते हो। इसको मैं थोड़ा एनहांस करूँ, अगर अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं रह गया बेटे, इन क्लास 11th यू विल स्टडी इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, क्योंकि जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर चले जाते हैं तो मास कंजर्व नहीं रहता, क्योंकि उसमें से न्यूट्रॉन्स अलग हो जाते हैं या इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं, तब क्या होता है E is equal to mc square आ जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही कहते हैं ये जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन, और नाइन्थ तक यही पढ़ाया जाएगा आपको कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, दिस इज क्लास 9, पर इसको सीखो जिन्होंने मेडिकल नॉन मेडिकल करनी आगे। इट इज नॉट नाउ अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक्चुअली इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। एंड जब एनर्जी की बात करते हैं तब हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में चले जाते हैं, ठीक है, तब हम आइंस्टाइन की इक्वेशन में चले जाते हैं जो हमें कहती है इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। मींस मास एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, सी तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, दैट इज अ कांस्टेंट थिंग, ठीक है। सो व्हाट इज नॉट एनर्जी, किसमें कन्वर्ट हो गई, या मास किसमें कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में, ठीक है। ये कब होता है, जब न्यूक्लियर रिएक्टर्स में रिएक्शन होती हैं, तब हमें ये नहीं होता कि हमने जितनी मास जितना कुछ लिया है उतने ही मास का कुछ मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें से कुछ एनर्जी भी निकल जाती है बाहर, ठीक है। तो हम इसको इलैबोरेट कर देते हैं इसी लॉ को, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। एंड कब, जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या इक्वेशन यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड आइंस्टाइन इक्वेशन। ठीक है, अब एक आई थिंक एक्सपेरिमेंट इज देयर इन योर बुक, बेरियम क्लोराइड दे हैव टेकन एंड सोडियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम क्लोराइड, दिस इज बेरियम क्लोराइड, अब ये ऐसे क्यों लिखा, ये ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि इनकी वैलेंसीज हैं जो कि हम आगे करेंगे, ठीक है। बेरियम की वैलेंसी होती है बेटे टू पॉजिटिव, वैलेंसी क्या होता है कि एक कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और क्लोराइड की है टू नेगेटिव। आप ये याद करना शुरू करो, देखो एक बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं बेटे, एक मैं क्लोरीन बोल रही हूँ, एक है क्लोराइड, ठीक है। क्लोरीन एक इंडिविजुअल गैस है, जब क्लोरीन रिएक्ट करगी और एक नई चीज बनगी, जैसे कच्ची गोभी है, कच्ची गोभी है मगर वो सब्जी बन गई तो डिश बन गई, अब तो गोभी नहीं बोलोगे अब, और डिश होगी आपके लिए, ठीक है, दैट इज अनदर थिंग। अब क्लोरीन जब गैस है वो गैस है, मगर जो वो इलेक्ट्रॉन ले लेती है किसी से और वो Cl नेगेटिव बन जाती है, तब ये क्लोराइड है। इसके पीछे क्या लगता है, आइड। जैसे ऑक्सीजन अकेली ऑक्सीजन है, मगर ये दो इलेक्ट्रॉन लेके किसी के साथ लग जाती है तो ये आ गया ऑक्साइड, तब आप ऑक्सीजन बोलते हो।
आपने कभी मैग्नीशियम ऑक्सीजन बोला, आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला है, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फर बोला है, आपने मैग्नीशियम सल्फाइड बोला है। तो ये जब आपके एग्जाम्स होते हैं, ये इयर्स टू इयर्स ये गलतियां चलती आ रही हैं। जब इनको नेमिंग पूछी जाती है ना, तो सोडियम क्लोरीन नेम लिखा होता है, सोडियम ब्रोमीन नेम लिखा होता है नेमिंग, और आयंस के चार्जेस हम धीरे धीरे करेंगे। टुमारो आई विल टेक दिस, नहीं तो मैंने फॉर्मूला दिखते जाने, आपको समझ नहीं आने, इससे पहले मैं वैलेंसीज ले लूँ, ठीक है। तो दिस इज बेरियम क्लोराइड, हाँ बेरिलियम होता है बीई, दैट इज एटॉमिक नंबर 3, 3 नहीं 4, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ओके। बेरियम इज अदर थिंग, वो मेटल है, वो भी मेटल। हम आप पीरियोडिक टेबल करोगे सब समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ है बेरिलियम, यहाँ ये बेरिलियम है, वो मैंने छिपाया, ये बेरियम है, ठीक है। एक ही ग्रुप को दोनों मेंबर्स बिलोंग करते हैं, तो फर्स्ट इज बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। यू विल डू स्लोली स्लोली, मुझे भी स्लोली स्लोली बोलने दिया करो। हाँ फिर ऑर्डर टेबल विल डू बेटे, थोड़ा सा मुझे धीरे धीरे बोलने दिया करो, ओके। सो दिस इज वन इज बेरिलियम, अदर वन इज बेरियम। हाँ जी जरूरी है, मैंने आपको थोड़ा करवा ही देना है, वैलेंसीज नहीं याद होने, नहीं तो वैलेंसीज कैसे याद करेगा फिर, टेंथ में तो पीरियोडिक टेबल आई है, ठीक है। सो आई हैव टेकन बेरियम क्लोराइड एंड आई हैव रिएक्टेड विद सोडियम सल्फेट, दिस इज बेटे सोडियम सल्फेट, एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, एक उसमें मैंने बेरियम क्लोराइड डाल ली, मान लो सोल्यूशन डाल लिया, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब ली, उसी कॉनिकल फ्लास्क में वो टेस्ट ट्यूब डाली, ये होता है कॉनिकल फ्लास्क, ऐसे कुछ दिखने वाला, और इसी के अंदर ही मैंने टेस्ट ट्यूब हैंग कर दी। अब यहाँ पे कॉक लगा हुआ है, इसके साथ थ्रेड के साथ हैंग कर दी, और मैंने ना इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे वे किया तो मुझे कुछ मास नजर आया। आफ्टर रिएक्शन आई विल गो गेट टू प्रोडक्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट, इसके वाइट पीपीटी नीचे बैठ जाएंगे। पीपीटी वो चीज होती है बेटे, मैंने क्या किया टेस्ट ट्यूब में, अब देखो घर पे सब्जी बनाते हो है ना, कुकर में मम्मा पानी भी डालते हैं फिर ही बनती है दाल, बनती है कि नहीं बनती, ऐसा थोड़ी ना कि हमने दाल चढ़ा दी और बन जाएगी, नो नहीं। इफ अगर आप सूखी सब्जी भी बनाते हो यू नीड ऑयल, वैसे आपको दाल या ग्रेवी वाली सब्जी बनानी यू नीड अ वाटर। वैसे बेटे क्या केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन करने के लिए या तो वो खुद लिक्विड की फॉर्म में हो या किसी को सॉल्वेंट की जरूरत होती है, सॉल्वेंट वो जिसमें वो डिजोल्व कर जाए, क्योंकि जब वो डिजोल्व करेगा तब वो आयंस की फॉर्म में जाएगा, जब वो आयंस की फॉर्म में जाएगा तभी वो रिएक्ट करेगा, समझ आ रही है। अब बेरियम जो क्लोराइड लिया है, अगर मैं उसको ऐसे पाउडर की फॉर्म में ले लूं, जैसे कि नमक है उसको अगर मैं पाउडर की फॉर्म में ले लूं और एक दूसरा पाउडर ले लूं, वो दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे जब तक उनको मैं पानी में नहीं डालूंगी। तो आप इनकी ब्रैकेट में देखोगे एक वर्ड लिखा होता है एक्वस, AQ, जिसका मतलब है कि इनको आपने किस में डिजोल्व किया है बेटे, वाटर में, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया है रिएक्शन करने से पहले। कोई भी जब रिएक्शन, अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपके सामने, आपने कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन लैब में बहुत बड़ी देखी है, अगर मैं कॉपर सल्फेट पाउडर ले लूं उसके ऊपर आयरन नेल्स रख दूं, क्या रिएक्ट करेंगे, नहीं करेंगे।
मुझे कॉपर सल्फेट को वाटर में डिजोल्व करना पड़ेगा पहले, क्योंकि कॉपर सल्फेट वाटर में जाके आयोनाइज करेगा, कॉपर टू पॉजिटिव एसओ फोर टू नेगेटिव देगा, जब वो आयोनाइज करेगा उसके बाद रिएक्शन होगी। ठीक है, घर पे दाल भी बनानी है, अगर ऐसे रख दो कि सड़ जानी है, आप ऐसे दो सॉल्ट को मिक्स करोगे तो वो सड़ जाएंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो यू नीड अ सॉल्वेंट फॉर इट। ठीक है, तो ऐसा हमने दो सॉल्वेंट वाटर में डिजोल्व करके दोनों को कॉनिकल फ्लास्क में रखा, इनका मास देखा हमने, ठीक रिएक्शन हुई, हमने कॉनिकल फ्लास्क का कोक खोल दिया, टेस्ट ट्यूब उलट गई, रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन होने के बाद हमने देखा कि एक तो लिक्विड मिला, जिसके बीच में आप एक्वस लिख देते हो क्योंकि हमें पता है नमक पानी में डिजोल्व कर जाएगा, और एक ऐसा सॉल्ट मिला जो कि नीचे बैठ गया, दैट इज वाइट पीपीटी। ठीक, जो चीज नीचे बैठ जाए और डिजोल्व ना करे, अब जैसे चौक है, चौक क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी एक सॉल्ट। अब सॉल्ट बेटे नमक नहीं होता, अकेला सॉल्ट नमक नहीं होता, सॉल्ट सॉल्ट कोई भी चीज है जो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनती है। जो नमक की बात करते हो दैट इज ओनली ए कॉमन सॉल्ट। ठीक है बेटे, अब ये सारे सॉल्ट हैं, ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये सारे सॉल्ट हैं, चाहे वो बेरियम क्लोराइड है, चाहे वो अमोनियम सल्फेट है, चाहे वो NaCl है, चाहे वो बेरियम सल्फेट है, ये सारे के सारे ही सॉल्ट हैं। ये अकेला सोडियम क्लोराइड नहीं है इसमें सॉल्ट, समझ आ रही है। सॉल्ट कोई भी चीज होती है जो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनती है, जैसे कि इसमें हाइड्रोक्साइड और HCl की रिएक्शन से बना होगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन से बना होगा, ये NaOH प्लस HCl की रिएक्शन से बना होगा, ये आप दिख ही रहा है। तो ये सारे सॉल्ट हैं, समझ आ रही, पहले एक कंसेप्ट क्लियर करो, सॉल्ट डजंट मीन नमक, दैट इज वन टाइप ऑफ अ सॉल्ट ओनली। सॉल्ट इज एनीथिंग यू हैव डन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन क्लास 8 स्टैंडर्ड, व्हाट यू स्टडी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, एंड यू आर डूइंग वन एग्जाम्पल ओनली, दैट इज NaOH प्लस HCl गिव यू NaCl प्लस वाटर, दैट्स इट। बट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आखिर है क्या, दैट इज एनी एसिड इज रिएक्टिंग विद एनी बेस, एंड इफ एनी एसिड इज रिएक्टिंग विद एनी बेस गिविंग यू सॉल्ट एंड वाटर मीन्स एनी काइंड ऑफ सॉल्ट यू कैन गेट, डिपेंडिंग विच टाइप ऑफ एसिड यू हैव टेकन, विच टाइप ऑफ बेस यू हैव टेकन। तो दीज ऑल आर सॉल्ट्स बेटे, ओके, दीज ऑल आर सॉल्ट्स, and these are soluble salt. Why they are soluble salt? Because they dissolve in water, and this is known as insoluble. ये बना water में dissolve नहीं हुआ, तो क्या हुआ, नीचे बैठ गया, जो चीज नीचे बैठ गई, अब ये calcium carbonate है, ये भी एक salt है, ये water में dissolve होता है? No, ये water में dissolve नहीं होता। तो अगर हम इसको water में डालेंगे तो हमें पता है इसकी suspension बनेगी, we have studied now suspensions. ठीक है, तो दिस विल फॉर्म अ सस्पेंशन, अगर ये होगा तो ये नीचे बैठेगा, ठीक, इन द सेम वे ये भी नीचे बैठ जाता है ऐसे, ठीक है। मगर टोटलिटी में अगर मैं स्टार्टिंग का मास, मतलब रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास देखूंगी, मींस इफ आई सी द मास ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, ठीक है, मान लो 20 grams है, तो एंड में सोडियम क्लोराइड और सॉरी बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट मान लो 20 grams है, और इन दोनों का भी मास कितना आएगा हमारे पास 20 grams, और ये हम प्रूव कर देंगे, क्या प्रूव कर देंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, सो व्हाट डज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट, इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, but now this conservation of mass is actually known as law of conservation of mass and energy, because every time mass is not conserved, energy is also, mass is also converted into energy according to Einstein, E is equal to mc square, where energy can be converted into mass, and this happen in the nuclear reactors.
नोट हम लैब में तो नहीं है, ये लैब में आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही है, हम जब न्यूक्लियर रिएक्टर या सन की जो रिएक्शंस हो रही हैं वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी है, ठीक है। नो नेक्स्ट लॉ दैट इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सो देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में एक हमने उठाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। वाटर इंडिया से लें क्या फॉर्मूला चेंज हो जाता है, अगर अमेरिका से ले फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वो तो सॉल्ट डल जाते हैं डिपेंडिंग के ऐसे सॉल्ट डले हुए हैं, पर इंडिविजुअल की अगर मैं वाटर को डिस्टिल वाटर साफ सुथरा करके ले हूं अमेरिका से तब चेंज हो जाएगा। मीन्स अगर हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी के घर से भी ले आए, तो वाटर का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, दैट इज H2O। अगर वाटर बनना है तो मैं जितना मर्जी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लूं कंबाइन करूंगी तो मुझे H2O ही मिलेगा। हाँ अगर मैंने हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाना हो तो H2O2 बन जाएगा, वो अलग बात है। अगर मैंने वाटर बनाना है तो फॉर्मूला हमेशा H2O ही रहेगा। नमक का क्या, कॉमन सॉल्ट का क्या फॉर्मूला है, NaCl। कभी भी हम NaCl2 नहीं लिखते, वो NaCl ही होता है। जब आप आगे बैलेंसिंग सीखोगे तो फॉर्मूला में कभी भी आप चेंजेस नहीं करोगे, क्योंकि फॉर्मूला डू रिमेन द सेम। अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल रही हूँ तो MgO बोल रही हूँ तो वो MgO ही रहेगा, MgO2 नहीं लिख देंगे हम। मीन्स जब दो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं और कोई भी कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड बनाएंगे ना, है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम्स या एलिमेंट्स जो एक ही टाइप के एटम के बने होते हैं, कंपाउंड क्या है जो मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट के बने होते हैं, ये तो कंपाउंड होता है। कैल्शियम कार्बोनेट इज अ कंपाउंड, कैल्शियम इज अ एलिमेंट, कार्बन इज एन एलिमेंट, ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट, एलिमेंट इज विच इट इज फॉर्म ऑफ वन टाइप ऑफ एलिमेंट एटम, ठीक। लाइक क्लोरीन इज एन एलिमेंट, आयरन इज एन एलिमेंट, मगर जब आयरन और ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो आयरन ऑक्साइड बनेगी जो एक कंपाउंड है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब कंबाइन होगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगी, वो क्या है, एक कंपाउंड। अब जब ये एलिमेंट कंबाइन करते हैं बेटे कंपाउंड बनाने के लिए, एलिमेंट ही कंबाइन कर रहे हैं और तो कोई नहीं कर रहा, तो जो कंपाउंड बन रहे हैं उनमें जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनका फिक्स्ड रेशियो रहती है बाय मास, ठीक है, दे हैव फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ये डेफिनेशन आप खुद लिख के लेके आओगे कल, आज आप समझो क्या है, 5 मिनट्स, ठीक है, 2 मिनट्स डेफिनेशन आपकी नोटबुक में अपने आप हो जानी चाहिए, ठीक। सो द एलिमेंट्स डू कंबाइन टू फॉर्म एन कंपाउंड, वाइल कंबाइनिंग they will combine in the fixed ratio by mass, ratio change नहीं होती। For example, water, अब water का formula ये है, अब हम further पढ़ेंगे जब तब हमें पता चलेगा कि atomic mass एक H का 1 है और 2H का 2 हो गया, एक अगर 1 है तो दो hydrogen का क्या हो गया बेटे 2, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है बेटे 16। विल डू, विल रिमेम्बर, आप याद भी करोगे इनको, सबको करवाएंगे भी आपको, ठीक है, जब आगे आएगा।
तो ये एटम्स का जो मास है ये, अब इनके अगर रेशियो निकालें, ठीक है, अगर रेशियो निकालें तो क्या आएगी, 1:8। मतलब दुनिया में कहीं भी चले जाओ, अगर एटम्स कंबाइन होंगे तो दे विल कंबाइन विद फिक्स्ड रेशियो बाय मास। उनकी बेटे रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर रेशियो नहीं चेंज होगी तो अगर मास देखोगे तो उनकी भी एक कांस्टेंट रेशियो आएगी, ठीक है। ये क्यों ऐसे कंबाइन होते हैं, डिपेंडिंग वैलेंसीज, कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन दे रहा है, किसने अपना डुबलेट कंप्लीट करना है, किसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ये हम सारी बात में देखेंगे कैसे कंबाइन होते हैं, क्यों ऐसे कंबाइन होते हैं, क्यों ऐसे ही फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। मगर जब भी वो कंबाइन होते हैं बेटे, उनका जो रेशियो है उनके मासिस की, वो क्या होती है, सेम। मतलब वाटर का अगर ये फॉर्मूला है तो दैट इज 2:16, दैट इज 1:8, ठीक है। इट विल कंबाइन एज सच, इट विल नॉट चेंज, ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन अमोनिया, द एटॉमिक मास ऑफ अमोनिया इज 14, हाइड्रोजन इज अगेन 1, तो 3 हाइड्रोजन विल बी 3, सो वी कैन से 3:4 और 14:3, क्योंकि और हम डिडक्ट कर नहीं सकते इसको, ठीक है, वी कांट डिडक्ट मोर। मीन्स अमोनिया जहां से मर्जी ले आओ, अमोनिया इज अ कंपाउंड फॉर्म बाय नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इट विल ऑलवेज फॉर्म अ कंपाउंड, दिस कंपाउंड विल बी हैविंग फिक्स्ड रेशियो बाय मास, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है जब किसी भी एलिमेंट से कोई भी कंपाउंड बनता है, उनके जो एटम्स हैं उनकी फिक्स्ड रेशियो होती है बाय मास की, आप कहीं से भी ले आओ उसको। अब जब भी आप फॉर्मूला राइटिंग करते हो और जब आपको बैलेंसिंग सिखाई जाती है, जनरली बच्चे फॉर्मूला ही चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा बचता ही नहीं है, ठीक है। जैसे कोई भी रिएक्शन, जैसे कि मैंने H2+O2 को रिएक्ट करना है तो मैं वाटर बनाऊंगी, वाटर का फॉर्मूला तो वही रहेगा, वाटर का फॉर्मूला चेंज नहीं करेगा, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो फॉलो कर ही नहीं रहा, क्योंकि वहां पे 2 हाइड्रोजन है, हियर इट इज ऑल्सो 2 हाइड्रोजन, वहां पे ऑक्सीजन कितने हैं, वहां पे, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1, तो मीन्स एक की कमी है, तो हमने यहाँ 2 है तो इसको 2 यहाँ करेंगे, ना कि यहाँ लगा दोगे, क्योंकि अगर यहाँ पे लगा दिया तो ये एक नया कंपाउंड बन जाएगा जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, मगर इससे क्या हो गया, हो गया हाइड्रोजन कितने बन गए, 4, ट्वेल्व रेशियो करो अपने आप 48।